अच्छे रिजल्ट्स होने के बाद भी लगातार गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो आपको सामने स्क्रीन पे शो रहा होगा। जेपी पावर वेंचर की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ऑल लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके टारगेट्स भी देखेंगे। एंड वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर। उसके पहले आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर देना एंड प्लीज़ यहाँ वीडियो को लाइक कर दें। तो जेपी पावर वेंचर की स्लाइड पे आ चुके हैं। गिरते गिरते अभी आप इस शेयर का यदि रेट देखें तो 7 रुपये तक आ चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हुई है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अभी आपको अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे बुक वैल्यू चेक करें तो 15 रुपये की यहाँ पे बुक वैल्यू होने वाली है एंड शेयर का प्राइस इस समय ओनली बुक वैल्यू से आधे पे ट्रेड हो रहा है, जबकि यहाँ पे कई सारे शेयर अभी भी यहाँ पे 4 गुने 5 गुने पे ट्रेड हो रहे हैं, बट ये शेयर यहाँ पे 0.50 पे ट्रेड हो रहा है, आधे पे ही ट्रेड हो रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपको जरूर नजर आ रही होगी। बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद कंपनी यहां पर रहने वाली है। स्टॉक पी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि शेयर ने काफी ज्यादा यहां पर ऊपर की ओर मूवमेंट की थी। यदि हाई एंड लो की बात करें तो लो इसका काफी नीचे 2.45 रुपये एंड हाई 11.02 रुपये। बट अभी हम बात करने चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म में थोड़ी यहां पर बियरेज जरूर नजर आ रहा है, बट यदि जैसे ही यहां पर येलो लाइन को क्रॉस करता है, येलो लाइन का मतलब है अपने 7.67 रुपये के प्राइस को, यदि यहाँ पे ये क्रॉस करता है ये प्राइस, यदि इसको ये वाला प्राइस यदि क्रॉस करता है 7.20 रुपये, तो एक अच्छी तेजी आपको ऊपर की ओर जाने को दिख सकती है। शॉर्ट टर्म में ही आपको अच्छे मुनाफे में दे सकता है। अभी हम बात करने चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, जो काफ़ी नीचे यहाँ पे होने वाला है 5.83 रुपये। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। फर्स्ट यदि यहाँ पर रेवेन्यू चेक करें तो रेवेन्यू आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबे समय पहले 2018 में रेवेन्यू इसका काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था 4,876 करोड़ का। देन फिर वहाँ से गिरते हुए अभी समय जो 2021 का इसका रेवेन्यू बचा है वो यहाँ 3301 करोड़ का। एक और क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आना बाकी है, तो हो सकता है इसका रेवेन्यू यहाँ से आपको शायद 800 करोड़ और बढ़ने को दिखे। तो लगभग आपको 4,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू अभी भी 2021 में आपको दिखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी हम बात करने चलते हैं नेट प्रॉफिट की। तो यदि आप नेट प्रॉफिट चेक करें तो कंपनी की यहाँ पर जो लॉसिंग चल रही थी 2020 में कितनी बड़ी लॉस थी, 2,214 करोड़ की लॉसेस चल रही थी। उसके पहले भी कंपनी को लगातार लॉसेस हुए हैं। देन यदि 2021 की बात करें तो कंपनी ने लॉस से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निजात पाई हुई है एंड प्रॉफिट में कंपनी ने लॉस मेकिंग कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे आपको 215 करोड़ की प्रॉफिट में देखते हुए दिखी है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इस समय जो प्राइस का रेट भी चल रहा है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। यदि यहाँ से मूवमेंट जाती है तो आपके सारे टारगेट यहाँ पर अचीव होने को दिख सकते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर हो रहा है। एंड यदि EPS की बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो आपको 25 पैसे का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके पहले की यदि अर्निंग पर शेयर देखें तो नेगेटिव में थे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे 64 पैसे का लॉस लग रहा था, यहाँ पे 2 रुपये 66 पैसे का लॉस लग रहा था। एंड यदि उसके पहले की बात करें 2017 की, तो यहाँ पे 3.75 रुपये का अर्निंग शेयर में यहाँ पे लॉस था। देन यदि इस समय देखें EPS तो यहाँ पे 0.25, ओनली 25 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट। तो लॉस मेकिंग कंपनी मैंने अगेन बता दिया आपको, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में यहाँ पे नजर आ रही होगी, बन के नजर आ रही होगी। यदि अभी हम ROE की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो जो रिटर्न ऑफ इक्विटी काफी ज्यादा नेगेटिव में थी 2020 में 34.91 थी, वो इस समय अभी आपको यहाँ पे पॉजिटिव में दिखाई पड़ रही है 2021 में 4.12। तो एकदम पॉजिटिव जितने भी रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव थे वो अभी 2021 में नेगेटिव थे, वो 2021 में आपको यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आप यहाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि डेप्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो डेप्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहा करती थी, देन यदि इस समय देखें तो काफ़ी सही यहाँ पे डेप्ट ऑफ इक्विटी बन के नजर आ रही है। अभी हम बात करने चलते इस शेयर की वर्क की, कहाँ वर्क करता है, ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करता है, लगातार पावर सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी भी, अभी ग्रीन एनर्जी में भी वर्क इसका हो रहा है। एंड यदि बात करें सेल्स की, तो सेल्स इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने को दिखी थी। सितंबर 2021 की बात करें तो सेल्स इसकी यहाँ पे 900 करोड़ की अबव थी, यानी यदि इस समय बात करें 2021 दिसंबर के लेटेस्ट रिजल्ट में, तो एकदम यहाँ से 901 करोड़ से इसकी सेल्स यहाँ पे 1401 करोड़ होने को दिखी है, जो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिविटी इस शेयर के लिए यहीं पे बना के दे रहा है। एंड यदि अगर हम यदि अदर इनकम की बात करें, तो अदर इनकम भी 46 करोड़ से बढ़ के
आपको 51 करोड़, यहाँ पे भी 5 करोड़ का लगातार 5 करोड़ का इसमें प्रॉफिट जनरेट होने को ज़्यादा दिखाई दी। टोटल इनकम की बात करें तो आगे इन दोनों को यहाँ पे सेल्स एंड अदर इनकम को देखेंगे तो टोटल इनकम में भी अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे लगभग 500 करोड़ से ऊपर की बढ़त यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, जो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी अगेन इस शेयर को यहाँ पे आपको बना के दे रहा है। अभी हम इसमें देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर भी इनने थोड़ी ज़्यादा खर्च किए हैं, यहाँ पर 350 करोड़ से ज़्यादा के खर्चे इनने लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे यदि इस क्वार्टर में देखें तो कर दिए हैं। बट यदि अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे इसकी नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट के भी पहले थोड़ी इसके टैक्सेस देख लेते हैं। 7 करोड़ के टैक्सेस इन्होंने दिए थे लास्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में, देन दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 51 करोड़ के टैक्सेस दिए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बनाया। जो 1 करोड़ का कंपनी को लॉस था सितंबर 2021 में, वो अभी कंपनी को लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन के साबित हुई है। 1 करोड़ का लॉस यहाँ पे 106 करोड़ के प्रॉफिट में बदला है। एंड कंपनी का प्राइस भी आपने देखा होगा, शेयर का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मूव किया था ऊपर की ओर, 10 रुपए के ऊपर भी शेयर का प्राइस जा चुका है। एंड इसने जो अपनी यात्रा यहाँ से शुरू की थी 4 रुपए से उठ के 11 रुपए के ऊपर तक जा चुका है, देन फिर वहाँ से वापस अभी 7 रुपए पे एक अट्रैक्टिव प्राइस पे आपको मिल रहा है। वॉल्यूम एंड एनालिसिस की बात करें तो वॉल्यूम एंड एनालिसिस में 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ करता था 1 मंथ के एवरेज में, देन 1 वीक के एवरेज में 8 करोड़ का, देन यदि इस समय देखें तो ओनली वॉल्यूम काफ़ी कम बचा है 7 करोड़ का। बट यदि कुछ समय पहले से बात करें तो इसमें डिलीवरियाँ काफ़ी सही उठाई जा रही हैं। एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी इसमें 41% से ऊपर की डिलीवरी उठाई गई थी, जो अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बना के दे रहा है इस शेयर के लिए। एंड यदि बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो बहुत अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस इसका रहने वाला है। 3 ईयर में आपको 268% से ऊपर के रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं रॉकेट रिटर्न, बना के दे चुका है। एंड यदि 1 ईयर की बात करें तो 137% के रिटर्न अगेन आपको यहाँ पर शो होने को देखते हैं। YTD में 12.9% के रिटर्न, एंड 3 मंथ की यदि बात करें तो 52% से ऊपर के रिटर्न बना के दे चुका है। बट यदि जिस तरह देखें रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यहाँ पर 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है थोड़ी 22% से ऊपर के, तो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी जरूर है क्योंकि पूरे मार्केट में ही यहाँ पर नेगेटिविटी। तो हम पर्टिकुलर शेयर के लिए नेगेटिविटी नहीं करेंगे, बकाया आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कर देना। मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।